मैं प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 3 विषय हिंदी, जिसमें बच्चों आज हम आपको सखी का पत्र ये चैप्टर पढ़ाएंगे। उससे पहले आप हमारे स्कूल के चैनल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे कोई भी एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आगे शुरू करें। सखी का पत्र। पत्र एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपने विचार, अपने समाचार, अपनी बात लिखित रूप में दूसरों तक पहुंचाते हैं। चाहे मित्र हो, सगे संबंधी हो, कोई भी हो, हम उन्हें अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो आइए देखें पत्र में क्या लिखा है। एक सखी दूसरे सखी को पत्र लिख रही है। प्रिय बहन नमिता, खुश रहो। तुम्हारा पत्र मिला। तुमने पूछा था कि मुझे संगीत और नृत्य के कार्यक्रम बूगी बूगी में जाने की जिज्ञासा कैसे हुई और मैं भाग लेने कैसे पहुंची। मैं पहले तुम्हें इस कार्यक्रम के प्रति उत्सुकता के विषय में जानकारी देती हूँ। उस दिन वार्षिक परीक्षा का अंतिम पेपर हो गया था। शाम को मेरी मम्मी ने टीवी खोलते हुए कहा, निकिता देखो यह कार्यक्रम तुम्हारे लिए है, इसे देखो। और मैं टीवी से दूर कुर्सी डालकर बैठ गई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि टीवी के पास बैठकर देखने से आंखें खराब हो जाती। मैं टीवी स्क्रीन की ओर देखती जा रही थी। 3 लोग इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। वे हंसा रहे थे, मैं हंस रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे चिर परिचित अंकल हों। एक के बाद एक प्रतियोगी आ रहे थे और अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं भी नाचूं। तभी जावेद अंकल ने कार्यक्रम के परिणाम की घोषणा की। मुझे लगा काश ये पुरस्कार मैं पाती। समय पूरा हो चुका था। मम्मी ने जैसे जगाया, बेटी कैसा लगा? मैं बोली, मम्मी क्या मैं नहीं नाच सकती? क्या ऐसी मुझ में योग्यता नहीं है? क्यों नहीं, तुम्हें है और बस थोड़ी मेहनत की और जरूरत है। मम्मी ने कहा, मेरे हाँ कहने पर माँ ने संगीत की कक्षा में पढ़ने भेज दिया। एक दिन मेरी नृत्य अध्यापिका ने मेरी प्रशंसा मेरी मम्मी से की। उसके बाद हम मुंबई पहुंचे। वहाँ मेरे अनेक टेस्ट लिए गए और उसमें मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। नमिता, इस महीने की 8 तारीख को मेरे नृत्य का प्रसारण होगा, तुम जरूर देखना। तुम्हारी सखी निकिता शर्मा। बच्चों, इस तरह से आप भी अपने मित्र को, अपनी सखियों को पत्र लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसका अभ्यास कीजिए और इस चैप्टर में एक्सरसाइज दिए गए हैं। आप इस चैप्टर इसके बुक में भी और नोटबुक में भी होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। अगली कक्षा में मैं दूसरे चैप्टर के साथ फिर आऊंगी। धन्यवाद। घर में रहिए।